तो मंदिर जाए पे भी हम सामान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम यही चाहते हैं कि आपका काम और आगे बढ़े। नमस्कार साथियों, महेंद्र भगौड़ और आप देख रहे हैं इंडिया टुनाइट शो के शो में आपका स्वागत है। इस आर्थिक तंगी के युग में अगर कोई कंपनी आपको आके बोले कि हम आपको आर्थिक सहायता देंगे, आप अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू कीजिए और आर्थिक सहायता भी ऐसी देंगे जिसमें 0% रिटर्न होगा, यानी कि आपको अगर 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जा रही है तो उसका 1 रुपये भी आपको वापस नहीं चुकाना है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए और खुद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए, आप आत्मनिर्भर बनिए और हमारी स्पेशली माता बहनों के लिए ये स्कीम है। और आपको शायद ये फ्रॉड लग रहा होगा लेकिन ये वास्तविकता में है और हमारे शहर की यानी कि सीकर जिले की ही 12 से 13 महिलाएं पिछले साल जब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था तो इसके तहत उन्होंने अपने स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट किए और आज वो महीने के 15,000 से 20,000 रुपये कमा रही हैं और उनसे भी हम आपको बातचीत करेंगे, साथ साथ में हम कंपनी के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारी ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। यूनिचार्म कंपनी अपने सामाजिक दायित्व के अंतर्गत राजस्थान के सीकर जिले के 80 गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्योर इंडिया ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट जागृति चला रही है। कंपनी ने 12 गांव की 12 महिलाओं को उनके ही घर पर उनका व्यवसाय शुरू करवाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को आर्थिक सहायता, व्यवसाय का प्रचार प्रसार तथा आय बढ़ाने के लिए वर्ष भर व्यवसाय का मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। महिला अपने घर से ही ब्यूटी पार्लर, जनरल स्टोर या कॉस्मेटिक की दुकान खोल सकती है और महिलाओं को दी गई आर्थिक मदद उन्हें वापस नहीं करनी होती। इसके अंतर्गत हाल ही में यूनिचार्म कंपनी ने राजस्थान के सीएसआर मैनेजर नित्या चौधरी और प्योर इंडिया ट्रस्ट से कैलाश वर्मा और सुभाष पारिक नानी ने भोजासर, डालमास, भग्गू का बास, दतुजला, जाकला आदि में दुकानों का फीता काट कर विद्युत रूप से शुरुआत करी है। प्योर इंडिया ट्रस्ट एनजीओ के संस्थापक प्रशांत पाल जी ने बताया कि ट्रस्ट पहले से ही यह कार्यक्रम पूरे देश में सफलतापूर्वक चला रही है जिसमें 900 से ज्यादा महिलाएं अपनी पसंद का व्यवसाय शुरू कर चुकी है। यह भी सुनने में गर्व महसूस होता है कि हर महिला प्रति माह 15,000 से 20,000 रुपए कमा रही है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि आखिर ये कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, तो हर कंपनी का सामाजिक दायित्व होता है यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ ना कुछ उन्हें सामाजिक कार्य करने होते हैं और इसी के तहत जापान की यूनिचार्म कंपनी अपने सीकर जिले की 80 महिलाओं को इस साल नए बिजनेस स्टार्ट करने में आर्थिक सहायता देगी और उन्हें साल भर बिजनेस के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को समय के साथ साथ आगे बढ़ा सकें और अपने प्रॉफिट में वृद्धि कर सकें। नमस्कार, मेरा नाम नित्या चौधरी है और मैं यूनिचार्म कंपनी से हूँ। हम लोगों ने अपने सीएसआर के अंतर्गत पिछले साल जागृति प्रोग्राम सीकर में शुरू किया था जिसके अंतर्गत हमने 30 महिलाओं को उनके ही घर में 30 गांवों में उनके एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करवाया। पहले चरण सफलतापूर्वक पूरा हुआ, इसकी वजह से हमने चरण दूसरा भी शुरू किया है। इस साल हम लोग 80 दुकानें खोलने का हमारा टारगेट है जिसके अंतर्गत आज दिन तक हमारी 23 दुकानें खुल गई हैं। तो उनमें से ही एक हमारे साथ रुक्मणी जी हैं जिनको हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम एक उनको भी हमने सहायता प्रदान की जिससे अपने काम को थोड़ा आगे बढ़ा सके। तो रुक्मणी जी, आप अपने बारे में बताइए, आपको कैसा लग रहा है हमारे गाँव में? मैं गाँव में सुनी कि भाई मैं दुकान का बारम किस्सा दे रहे हैं, 10,000 रुपये मिल रहे हैं जिन योजना से, जो नाम सुभाष से सुनवाती हूँ, बस मैडम मंगवाती हूँ तो 10,000 रुपये भी हम सामान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मणी जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम यही चाहते हैं कि आपका काम और आगे बढ़े। बस आने वाले टाइम पे हम इसी तरीके से आपसे जुड़े रहेंगे, इसी गांव में हम आगे काम बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ऐसे इसी गांव के अंदर महामारी से संबंधित सेशन, मेडिकल कैंप और इन सब का भी ऑर्गेनाइजेशन करेंगे ताकि पूरी कम्युनिटी के साथ। इस तरीके से ये कंपनियां अपना सामाजिक दायित्व पूर्ण करके समाज को एक नई दिशा दे रही हैं। तो आज का वीडियो साथियों आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और इस आर्थिक सहायता का आप लाभ लीजिएगा और अपने आसपास के लोगों को भी समृद्ध बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।